जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज का प्रसंग है नाम जप का प्रभाव साधक को कितने समय में और किस तरह असर दिखाता है। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना और सुन करके अपने जीवन में अवश्य उतारने का प्रयास करना। वह हम हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि सुनने से पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, जो प्राप्त होता है वह केवल करने से होता है। देखिए बंधुओं, नाम जप का प्रभाव साधक के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका प्रभाव आपके मन को ठहरा सके। और इसमें साधक को समय की अवधि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह वह शक्ति है जिसके बारे में वाणी ज़्यादा बखान नहीं कर सकती, क्योंकि गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहे बात। गूंगा गुड़ को खा करके कौन से मुंह से बताए। इसलिए जो नाम जप करते हैं, जो साधक जानते हैं और जो निरंतर नाम जप करते हैं, जो नाम में डूबे रहते हैं, उसके बारे में वह अनुभव करते हैं, वाणी तो केवल इशारा है, उसके बारे में वाणी ज़्यादा बता ही नहीं सकती है। केवल हमारे संतों ने भी नाम जप के बारे में केवल और केवल इशारा किया है। और नाम जप का प्रभाव तो तुरंत ही शुरू हो जाता है, उसमें देर का काम नहीं, समय का काम नहीं। और आप ये भी समझ लें कि आप जितना नाम जप करेंगे वह अपने आप बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बढ़ती है, बढ़ती है तो घटती भी है, समाप्त भी होती है। लेकिन नाम जब एक ऐसी चीज़ है जो अनंत काल तक बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म होती नहीं है, इसलिए इसमें समय का प्रावधान नहीं है। जितना आप करोगे उतना ही बढ़ेगा, दिन दूना और रात चौगुना, अपने आप ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और जहाँ तक असर दिखाने की बात है, देखिए आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप जितने विश्वास के साथ नाम जप करेंगे, आप जितना निरंतरता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, उतना ही आपको उसका असर दिखने को मिलेगा। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, नाम स्वयं में स्वयं है, इससे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। इससे संसार के कार्य तो पूरे होते ही हैं, लेकिन यह परमार्थ में भी हमारे काम आता है। इसलिए हमारे संतों ने नाम जप पर बहुत जोर दिया है पहले से ही, क्योंकि नाम ही सार है। और कलयुग में तो ख़ास तौर से कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, उसको सुमिरन करने से, जप करने से भवसागर से पार हो जाएंगे। बाकी ये छोटी मोटी इच्छा है, सांसारिक जो कार्य है वह तो इसके सामने कुछ नहीं, कूड़ा करकट है। तो बंधु, इसके समय पर न जाए और किस तरह से असर दिखाएगा ये भी न सोचें। आप केवल और केवल निरंतरता से नाम जप करते रहें, विश्वास, एकाग्रता, निरंतरता के साथ, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, निसंदेह। इसमें कोई संदेह नहीं है, भ्रम बिल्कुल न करें, केवल और केवल नाम जप करें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।